between you and Ekta actually. So tell us something how about this journey. Phone. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे ऑल्ट बालाजी हाई फाइव फॉर ऑल्ट पाँच साल हो गए आई रिमेम्बर यू नो व्हेन दिस आइडिया पॉप्ड अप इन एकता हेड एंड शी इज लाइक यू नो लेट्स स्टार्ट समथिंग ओटीटी डिजिटल ऑलवेज अहेड ऑफ अ टाइम्स एंड यू नो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर व्हाट अ वुमन विद अ विजन एंड यू नो माय इक्वेशन विद ऑल्ट हैज ऑलवेज बीन स्ट्रांग for many reasons one because it is my best friend's company and second because I do have a show on Alt called Fitrat to agar aapne nahi dekha hai to dekhiye and aaj hum aaye hain Alt ke ek aur show mein jo jiska naam hai Lock Up kis tarah se dekhte ho ye show are you following it जी बिल्कुल मुझे बड़ा पसंद है ये शो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके अलग अलग पर्सनालिटीज़ देखना सब बहुत प्यार से रहते हैं टकराव से रहते हैं थोड़ा रोमांस चल रहा है थोड़े झगड़े चल रहे हैं और बहुत सारी मस्ती चल रही है दैट्स व्हाट आई एंजॉय अबाउट द शो डू यू हैव पर्सनल फेवरेट पर्सनल ऐसा कोई फेवरेट होता नहीं है आई थिंक यू नो एवरीवन हैज लिटिल अलग अलग क्वालिटीज़ जो अच्छे लगते हैं बट आई थिंक गेम अच्छा जो खेल रहा है फिलहाल लड़कों में आई थिंक मुनावर लड़कियों में पायल एंड हाउ डू यू सी कंगना मैम एज अ होस्ट ऑफ कोर्स शी इज क्वीन कंगना आई थिंक यू नो द टाइटल रियली सूट्स हर वो क्वीन है और हमेशा रहेगी द वे शी कंडक्ट्स द शो एंड द वे वो यू नो बात करती है कंटेस्टेंट से एंड द एपिसोड्स दैट शी इज इन रियली रियली आर वेरी एक्साइटिंग लास्ट क्वेश्चन रियलिटी शोज के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो है रिलेशनशिप में आ जाते हैं रियलिटी शोज में अगर आपको जो है मौका मिले किसी रियलिटी शो में जाने के लिए तो आप क्या आप रिलेशनशिप में जाने की बात कर रहे हो कि रियलिटी शो में जाने की रियलिटी शो में भी जाने की बात कर रहे हो रिलेशनशिप में जी ये सब प्लान नहीं होता है आई एम श्योर इन्होंने प्लान नहीं किया है कि अंदर जाके रिलेशनशिप में जाएंगे या अंदर जाके एक दूसरे से लड़ेंगे लेकिन ये हो जाता है दिस इज़ नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि अगर कोई अच्छा लगने लग जाता है ऐसे घर में जहाँ पे अपने नहीं हो तो हो जाता है मैंने कभी कोई रियलिटी शो नहीं किया है तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा जब करूँगी तब ज़रूर आपका आपके सवाल का जवाब दूँगी वुड यू लाइक टू शेयर एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट जी बिल्कुल मेरी फिल्म आ रही है विस्फोट जल्द ही तो देखिएगा थैंक यू सो मच मैम जनता पर वादा बेचारी को बाइक एक तो करवा ले बोल दो हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास दिया ना मैंने बहुत खुशी की बात है पाँच साल कंप्लीट हो गए अप्रैल 2017 में मुझे याद है मैं गोलमाल की शूटिंग कर रहा था हैदराबाद में तब लॉन्च हुई थी और उस टाइम से लेकर अब तक पाँच साल हो गए तो मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ ऑल्ट की पूरी टीम को और उनका जो एक स्लोगन है हैशटैग हाई फाइव फॉर ऑल्ट वो मेरी तरफ से उनके अगले 5000 सालों के लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा वो तो मैं नहीं बताऊँगा क्या होने वाला है क्योंकि वो दर्शकों के लिए होगा लेकिन लॉकअप के जो कैदी है आप तो जानते ही हैं कैसे हैं वो तो मेरे आने के बाद वो कैसे आई थिंक मतलब सरप्राइज हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे या और ज़्यादा मस्तियाँ करने लगेंगे वो आपको देखना पड़ेगा आई डोंट मेरा कोई एक फेवरेट नहीं है बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फेवरेट्स हैं
करणवीर अच्छे हैं, वंदना जिनके साथ मैंने काम किया है वो भी रियलिटी शोज़ की फेवरेट हो रही हैं अभी, पायल इज़ ऑल्सो क्वाइट यू नो क्वाइट फियरलेस, और फरूकी इज़ वेल नोन स्टैंड अप कॉमिक, तो उनको भी उनकी जो षड्यंत्रबाजी है वो देखकर ही मज़ा आता है. वो ही आई वुड से ही इज़ द बैचलर डैड ऑफ लॉकअप, अगर आपने शो देखा हो तो वो बैचलर डैड है, क्योंकि मैंने एक बुक लिखी है बैचलर डैड, तो मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ. मुझे लगता है ओल्ड बालाजी ने एक यू नो एक ब्रह्मास्त्र कंगना के तौर पर इस शो में मतलब लॉन्च कर लिया एक ब्रह्मास्त्र, जो आई वुड से इज़ कंगना रनौत, बिकॉज शी इज़ द परफेक्ट पर्सन टू होस्ट दिस शो. उनकी जो बेबाकपन है, उनका जो एक खुलापन है, उनका जो एक उनकी जो निडरता है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मतलब लोगों को उनकी असलियत बताती है, उनको जज करती हैं, यू नो दैट इज़ वेरी फेयर एंड वेरी वेरी रियल. सो कूडोज टू हर. मुझे कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना तो पता है नहीं, लेकिन जितना वो खुद खुलासा करते हैं शो पे वो उनका प्रेरोगेटिव है और उनका हक है. सो आई डोंट नो इफ आई एम द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि उसके अलावा मैं उनकी पर्सनल लाइफ को जानता नहीं हूँ. मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये मीडिया या सोशल मीडिया ही है जो मतलब ये वीडियोज़ फैलाती हैं और जो मतलब इन चीज़ों को बढ़ाती हैं, हाइप करती हैं. तो आई डोंट थिंक इसका शो के मतलब चैनल या प्लेटफॉर्म से या फिर शो के प्रोड्यूसर से कोई लेना देना है. इट्स पार्ट ऑफ लाइफ नाउ, जहाँ हम अगर कुछ भी करते हैं तो वो मतलब एग्जैजरेट हो जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए. सो दैट इज़ समथिंग जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते. आई वुड लाइक टू से दैट. यस, ही इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी टॉकेटिव, और मैं उनको पर्सनली भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, और एक फैमिली मैन है वो. तो माई बेस्ट विशेज टू हिम. उसके अलावा मतलब उनको शो में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन दिस टफ कॉम्पिटिशन दिस टाइम. नेक्स्ट फिल्म इज़ मारीच, जो एक हॉरर नहीं एक मर्डर मिस्ट्री है, और उसके बाद आएगी खुलजा सिमसन. फॉल्स फ्लैग नाम का एक वेब सीरीज़ भी है जो मैंने साइन किया है. सो लॉट्स इन स्टोर. वेरी वेरी नाइस पिक्चर्स, वेरी नेचुरल, एंड इट वॉज अ वेरी प्राइवेट वेडिंग, जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और माई बेस्ट विशेज फ्रॉम द फैमिली, बिकॉज चिंटू जी डैड के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो पूरी फैमिली से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, एंड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ टुगेदर. थैंक यू. Five years of old.